देखिए फिलहाल मेरा पहला एडमिशन है वो है सनी का बेटा, विच मेक्स मी वेरी प्राउड कि सनी और मैंने एक साथ शुरू किया था एंड टुडे सन इज देयर और अभी एडमिशन शुरू हुए हैं तो लेट्स सी हूएवर अ सीरीज एक्टर। लेकिन स्कूल में हमको बैचेस छोटे रखने क्योंकि यहाँ पर मेन थ्रस्ट जो है इसकी एजुकेशन सही होनी चाहिए, ये नहीं कि वॉल्यूम का है, दी एजुकेशन हैज़ टू बी करेक्ट, दैट इज द मेन थिंग एंड सनी हैज बीन वेरी सपोर्टिव इन दिस होल। क्या डॉक्टर के घर में जितने बच्चे उनके बेटे होते हैं तो बच्चे वो डेफिनेटली दे वांट टू बिकम डॉक्टर्स, पर वो थोड़ी ना डॉक्टर ही घर पे सीखते हैं, दे हैव टू गो समवेयर। और कई एक्टर फिल्म इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे कलाकार आए हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी हैं और आते रहेंगे, तो ट्रेनिंग और अभ्यास तो किसी भी किस्म का बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं होता वैसे तो, बोला जाता है ऐसा है, फिर भी नीतीश कुमार होते हैं ना बिहार में, ऐसा क्या है, तो मतलब वो भी मिलते हैं और आपको थोड़ा सा मुश्किल है तो किसने कहा, हम भी आए थे इस इंडस्ट्री में तो हमको भी कोई नहीं जानता था, हम बगैर किसी रिकमेंडेशन के आए थे, तो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन उसमें मज़ा भी अपना होता है खुद के सक्सेस में। और मतलब अनफेयर है थोड़ा सा, कम डेमोक्रेटिक है ये इंडस्ट्री, ये बात सही है। सनी जो लड़के को ब्रेक दूंगा कि नहीं पता नहीं लेकिन स्कूल में तो होगा पक्का। एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसिस विच आई वर्क विद सो मेनी न्यू पीपल एंड ऑल्सो विद सो मेनी एमिनेंट एक्टर्स, आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसिस विद ऑल दीज स्टूडेंट्स, यू नो दे बिकॉज वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, सो दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, शेयरिंग माई एक्सपीरियंसिस। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक वी नीड, इट्स हाई टाइम वी हैड अ प्रॉपर स्कूल ट्रेनिंग प्लेस एक्टर्स के लिए एंड दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी दैट। नहीं तो मेरे को अपने बेटे को कहाँ भेजना उसके बारे में सोच रहा था, राहुल ने कहा नहीं मैं यहीं कर रहा हूँ, तो मैंने वेरी गुड। एक बात मेरे को बहुत अच्छी बोली थी, बोला राहुल प्लीज़ अपने स्कूल में मेरे बेटे के साथ बाकियों के साथ इनको डिसिप्लिन ज़रूर सिखाना, विच आई थिंक हैज बीन अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एंड दे हैव टू बी डिसिप्लिन। आई वर्क्ड विद सनी इन द अर्ली डेज व्हेन ही वाज वेरी, ये बहुत ही डिसिप्लिन था। कई एक्टर हैं जो फिल्म लाइन के नहीं हैं और ज़रूरी नहीं है कि फिल्म लाइन में आए हैं या किसी बहुत बड़े कलाकार या स्टार के बच्चे हैं कि उसमें कोई गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा काम करेंगे या बहुत बड़े स्टार बनेंगे, उसमें नहीं, अगर वो खुद अगर अपने बलबूते पे अगर अच्छा काम करें तो ज़रूर सफलता पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। जब मैंने एक्टिंग के बारे में सोचा तो हैड गॉन टू इंग्लैंड टू एंड जॉइंड अ थिएटर स्कूल ओवर देयर व्हिच मेड मी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई एम बेसिकली अ शाय गाय एंड गिव मी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी माईसेल्फ देन बीइंग अ धर्मेंद्र सन। इफ यू हैड सम प्रॉपर ट्रेनिंग एंड थिंग्स प्रोफेशनली इन इंडिया डेफिनेटली आई वुड हैव स्टिक्ड अराउंड। मुझे बहुत खुशी है कि रणबीर बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप उसे आशीर्वाद दें कि वो और भी अच्छा काम करे और अच्छा एक्टर बन सके। दैट्स अ प्रॉब्लम विद दिस कंट्री, इफ यू आर अ पॉलिटिकल सन किड यू गेट अ चांस लाइक दिस, यू आर डॉक्टर सन यू गेट अ चांस लाइक दैट, इफ यू आर अ लॉयर सन यू गेट अ चांस लाइक दैट। यहाँ पे क्योंकि डेमोक्रेटिक और स्टेट नहीं हो तो फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती हैं, ज्ञान भी हमारे यहाँ गुरुकुल प्रथा है तो बोलते हैं कि साहब फलां सितार प्लेयर अपने बच्चे को सिखा गया है, फलां बड़े गुरु थे डांस के वो अपने बच्चों को सिखा गया, तो ज़्यादातर ये ऐसा करते हैं जो कि गलत है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर जीन पूल से आए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं हो, ये अनसाइंटिफिक है, पूरी तरह से अनसाइंटिफिक बात है। तो ये तो है बट जितना आप बढ़ाएंगे अपना दायरा खोज का उतने बेहतर आपको एक्टर मिल सकते हैं, तो ये एक्टिंग स्कूल्स एक इंट्रोडक्शन का भी बहुत अच्छा ज़रिया है कि आप एक स्कूल में हैं और वहाँ किसी ने आपको देखा, एक बच्चे के पास जो जिसका बैकग्राउंड एक्टिंग में नहीं होता या फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता उसके पास कोई गाइडेंस होता है, कोई टीचर मिले उसे, तो वो अच्छी बात होती है, फिर वो जो गलतियां वो करेगा आगे उसको समझाया जा सकता है, वो ना सिर्फ उसको एक्टिंग सिखाई जा सकती है बल्कि उसको इंडस्ट्री के लिए भी तो तैयार किया जा सकता है। फॉर द न्यू ब्रीड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देन दे कम ओवर हियर, जैसे मेरा माई ब्रदर अब है, he came in for acting, he didn't come here to join to becoming a any kind of a dancer or a bodybuilder or anything, he came to act and he stuck to that and that's why people love him, that's why he's got his own set of fans out there and that's what I believe वैसे ही होना चाहिए।